सो क्लास अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। सो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि पीपल जो है, जो वोटर्स हैं, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। सो पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्न आउट फिगर्स। इट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। हम कह सकते हैं कि हर साल जो है, या फिर एवरी फाइव ईयर्स जो इलेक्शन कमीशन है वो वोटर्स, जो भी वोटर्स है उसको काउंट करती है कि कितने वोटर्स जो है वो 18 इयर्स के हो गए हैं और वो एलिजिबल हो गए हैं। तो इस टर्न आउट से ये पता चलता है कि कितने वोटर्स जो है उस कैटेगरी में आ गए हैं। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन। तो हम कह सकते हैं इंडिया में जो मैक्सिमम वोटर्स हैं वो कौन है? गरीब लोग हैं, पुअर्स हैं, इलिटरेट अनपढ़ लोग हैं, और वो लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज है। अंडर प्रिविलेज का मीन्स होता है कि वो लोग जिनको बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, फॉर एग्जांपल जॉब्स नहीं है उनके पास, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, उसके बाद प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, मीन्स वो जहां पे रहते हैं वहां पे रोड्स नहीं है, वाटर फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं वो लोग जिनको सारी सुविधाएं समाज में नहीं मिली है, उन लोगों को हम अंडर प्रिविलेज कहते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं वो ज्यादा है इंडिया में, एंड दे आर द मैक्सिमम वोटर्स इन ए इलेक्शन। बट पीपल वोट इन ए लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज। सो कह सकते हैं जो रिच लोग हैं और जो प्रिविलेज हैं, जिनको सारी सुविधाएं हैं, वो लोग कम है कंपैरिजन टू दिस पीपल, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट करने वाले कौन है? गरीब, अनपढ़ और अंडर प्रिविलेज लोग, और जो रिच एंड प्रिविलेज लोग है वो बहुत ही कम है, और उनकी वोट्स, अगर हम उनकी वोट्स की काउंटिंग करें तो दे आर लेस कम्पेयर टू दिस पीपल। कवर पीपल इन इंडिया अटैच टू ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन टू प्रेशर ऑन पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू पीपल। सो हम कह सकते हैं जो कॉमन लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो क्या करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको प्रेशराइज करते हैं। किस तरह से हम इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक लीडर है जो आपके एरिया में वोट मांगने आया है, तो आप उससे क्या कहोगे कि ठीक है आपको हम वोट देंगे, बट हमारी ये डिमांड्स है, आफ्टर बीइंग ए लीडर और आफ्टर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट आपको ये सारे डेवलपमेंट्स हमारे गांव में करने होंगे या फिर हमारे सिटीज में करने होंगे। तो वो क्या करेगा, वो जो लीडर है वो एग्री करेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को, और एग्री करने के बाद अगर वो एग्री हुआ तो आप उसको वोट देंगे। मींस हम कह सकते हैं पीपल कैन प्रेशराइज ए पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट ए पॉलिसीज और प्रोग्राम फॉर द फेवरेबल फॉर द पीपल। फिर लास्ट टॉपिक है, इन इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीज ओवर द इयर्स। सो हम कह सकते हैं जो इलेक्शंस है उसमें जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन क्राइटेरिया में, इलेक्शन प्रोग्राम्स में, ताकि इलेक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो और लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें। अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका या फिर ब्रिटेन, इस तरह के कंट्रीज से, तो पीरियड ऑफ एक डिकेड में जो वोटर्स हैं वो थोड़ा सा कम हुए हैं ऑन दैट कंट्री, लेकिन इंडिया में जो वोटर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स या तो स्टेबल है या फिर और ज्यादा बढ़ गए हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जो वोटर्स हैं इंडिया में, जो एक्टिविटीज है इन इलेक्शन पार्टीज, उसमें बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो गई है। सो क्लास अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। सो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो लोगों का एक्सेप्टेंस है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो लीडर्स है उनका एक्सेप्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इनकमिंग इलेक्शन, फिर से इलेक्शन होगा बिटवीन द कांग्रेस पार्टी एंड द बीजेपी पार्टी। सो अब मान लीजिए कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो बीजेपी पार्टी जो है वो क्या करेगी, वो एक्सेप्ट कर लेगी कि ठीक है हम हार गए। क्यों ये एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज द व्यू ऑफ पीपल, ये पीपल का चॉइस है कि इस साल जो है कांग्रेस की पार्टी होनी चाहिए। मीन्स पार्टी जो है वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेगी
क्योंकि दिस ऑल डिसीजंस आर मेड बाय द पीपल. सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स कम्स अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन ऑफ इलेक्शन आउटकम. सो द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल. एवरी टू आउट ऑफ द थ्री इलेक्शन हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस. सब कह सकते हैं कि अगर रूलिंग पार्टी जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी करेंटली रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इज द करंट रूलिंग पार्टी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो अगले साल हार जाती है तो ये जब वो हार जाएगी तो वो नेशनल एंड स्टेट लेवल पे भी हार जाएगी. और उसके बाद अगर हम आउटकम की बात करें तो आउटकम में हम कह सकते हैं एवरी टू आउट ऑफ थ्री ईयर्स रूलिंग पार्टी जो है वो हार ही जाती है. ठीक है. सो ये जो है लास्ट 25 इयर्स का रिकॉर्ड है. सो इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड लीडर्स रेयरली लूज एन इलेक्शन. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीस और एमएलएस लूज इलेक्शन. सो अगर हम यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें, तो वहां पे जो सिटिंग इलेक्टेड लीडर्स है, मीन्स जो परमानेंटली है वहां पे, जैसे कि हम कह सकते हैं वहां पे प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं है लाइक इंडिया, बट वहां पे भी जो इलेक्शन होते हैं वो सिटिंग इलेक्टेड लीडर्स के लिए होता है और वो बहुत ही कम हारते हैं. बट अगर हम इंडिया में सिटिंग एमपी और एमएलएस की बात करें तो वो हमेशा हार जाते हैं क्योंकि आफ्टर 5 ईयर जो है पीपल उनको इलेक्ट नहीं करती है. सो कैंडिडेट्स स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोस विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन लूज इलेक्शन. सो इंडिया में हम कह सकते हैं जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं इलेक्शन में ताकि उनको वोट मिले, और वो कैंडिडेट जो जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो भी हार जाते हैं क्योंकि पीपल जो है वो ऐसे लोगों के प्रति जो है एक नेगेटिव सेंस क्रिएट होती है. क्योंकि फॉर एग्जांपल एक लीडर है जो कि बहुत ज्यादा मनी स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स ही हैज द क्रिमिनल माइंडसेट, और दूसरा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से पहले से ही है तो अगर वो पावर में आ जाए तो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. इस सेंस में पीपल जो है उनको भी वोट नहीं करते हैं, तो उस तरह के लोग भी जो है वो हार जाते हैं. और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स में आते हैं. सो क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो क्लास वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी सिक्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स. सो हम कह सकते हैं जो बड़ी पार्टियां हैं वो जो है उनके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो उसको सिक्योर नहीं कर सकते हैं, उसका उनके जो पैसे हैं उससे वो ये सिक्योर नहीं कर सकते हैं कि वो कमिंग इलेक्शंस में जीत जाएंगे, बट फिर भी वो जो है बहुत ज्यादा उनको एडवांटेज मिलता है कंपैरिजन टू द स्मॉल पार्टीज. क्योंकि जो बड़ी पार्टी है वो छोटी पार्टी को हमेशा डोमिनेट करती है, और जो भी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली खड़े हुए हैं, जो जिसको हम लोग निर्दलीय कहते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, वो अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी वो क्या करते हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं वो डोमिनेट करती हैं. सो कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्शन रेस टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी. अब वैसे कैंडिडेट जो कि क्रिमिनल उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर क्रिमिनल कनेक्शन है उनका, तो वो क्या करते हैं, जो भी अपोजिट पार्टीज के लीडर्स है या फिर जो उसके अगेंस्ट में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो उसको वो लोग धड़ाधक धमका करके वहां से उसको निकाल देते हैं ताकि जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाए और जो एक कैंडिडेट बन जाए उसको मेजर पार्टी जो है उसको टिकट दे दे और वो वहां से इलेक्शन लड़के जीत जाए. मीन्स सीरियसली कह सकते हैं कि वो अगले को हटा देना चाहता है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए. सो सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दिस फैमिलीज. सम कह सकते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करती है. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अंबानी
ठीक है सर, अगर अंबानी जो है वो एक ऐसी फैमिली है जो कि पूरे कंट्री को डोमिनेट कर सकती है, मीन्स उसके पास इतना पैसा है और पावर है। सो फॉर एग्जांपल इसी तरह के जो भी बहुत बड़ी फैमिलियां हैं, जो बहुत ही चर्चित लोग हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अंबानी का है बीजेपी गवर्नमेंट को कि हमारे फैमिली में से एक को टिकट दे दो, तो पार्टी जो है उसको टिकट दे देगी। बट दिस इज नॉट रियल, सो दिस इज फॉर एग्जांपल ओनली। सो इसी तरह से जो बड़ी बड़ी फैमिलीज है इंडिया में, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा से डोमिनेट करती आई है, और टिकट जो है वो अपने रिलेटिव्स को ही, रिश्तेदारों को ही आपस में ही बांट देते हैं। सो वेरी ऑफ्टन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी पीपल। अगर हम सीधा सीधी बात करें तो इलेक्शन जो है वो ऑर्डिनरी पीपल को, जो आम लोग हैं, उनको कम ही चॉइस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, लेकिन उसके जगह पे उसके पार्टी से कोई और कैंडिडेट जो है वो खड़ा होगा, मीन्स हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमें उसको वोट करना होगा, लेकिन डायरेक्टली हमारे पास चांसेस नहीं है टू वोट द लीडर विच वी वांट टू इलेक्ट। स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर्ड टू बिगर पार्टीज। तो हम कह सकते हैं जो छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं उसके कंपैरिजन में जो कि बड़ी पार्टियां हैं। तो हम कह सकते हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं, वो हमेशा रीजनल पार्टी को डोमिनेट करती है, और जो रीजनल पार्टीज हैं वो हमेशा जो नेशनल पार्टी है उसके फेवर में ही काम करती है, ताकि इस पार्टी को भी नेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सके। मीन्स हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मीन्स जो लोग रिच हैं, जो पावरफुल है, वो हमेशा जो उससे कमजोर है उसको डोमिनेट करते हैं। बस यही क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होती है इन इलेक्शन प्रोसेस। सो क्लास, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक एंड आवर चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू।